students, welcome to Software Engineering Week number 14, Lecture number 2. इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग को कि टेस्ट क्या है. टेस्ट में अगर हम शॉर्ट देख ले तो उसमें हमने ये कहा था कि हम एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को. ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर की अगर हम करेक्टनेस के बारे में बात कर रहे तो हम कह रहे कि हम टेस्ट कर रहे हैं कंप्लीशन की. कंप्लीशन उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से कि जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने बताई है उसके बारे में अगर हम बात करें या क्वालिटी के बारे में, तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ रहा है. फिर इस तरह टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एज मैनी एज एरर हम फाइंड आउट करें सॉफ्टवेयर में, तो ये ऑब्जेक्टिव है टेस्टिंग की. इस तरह डेमोन्स्ट्रेट करें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो मैचिंग कर रहा है रिक्वायरमेंट से कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने दी थी उसी रिक्वायरमेंट्स के साथ इसकी जो फंक्शनलिटी है या इसकी जो आउटपुट है वो मैच कर रही कि नहीं कर रही. इसके बाद फिर हम वैलिडेट करते क्वालिटी को, टेस्टिंग करते यूजिंग मिनिमम कास्ट एंड एफर्ट्स के जरिए. हम देखते कि मिनिमम कास्ट या मिनिमम एफर्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लें. तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस है. इसके लिए हम क्वालिटी टेस्टर्स बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, इसी तरह इफेक्टिव टेस्टर्स करवा देते हैं. ब्लैक बॉक्स एक अप्रोच है, वाइट बॉक्स अप्रोच है, जिसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में. तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन है, जो जहाँ से प्रोजेक्ट हमारे पास स्टार्ट होता है. प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन से, रिक्वायरमेंट डिसिटेशन से और क्लाइंट की मीटिंग से कि उसके लिए क्या चाहिए, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. तो ये सारे इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके फिर हम आते हैं सिस्टम स्टडी के ऊपर. फिर हम देखते हैं कि अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, इस रिक्वायरमेंट्स के बाद हम सिस्टम की स्टडी करवाते हैं, जिसके लिए हम यूएमएल डिज़ाइन बना लेते हैं, डेटा अपलोड डिज़ाइन बना लेते हैं, यूज़ केसेस बना लेते हैं. इसी तरह बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स हैं, या अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स बनाना चाह रहे तो वो हमारे पास सिस्टम स्टडी में आ रहा है कि सिस्टम में क्या क्या होगा, कौन कौन से एंटिटी सिस्टम के अंदर होंगे, कौन कौन से इस सिस्टम के बाहर होंगे एंटिटीज. ठीक है, फिर उसके लिए हम एक टेस्ट प्लान बना देते हैं कि हम टेस्ट प्लान ये है कि हम ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है अब जो हमारे पास आउटपुट है, तो ये जो आउटपुट है ये वो एक्सपेक्टेड या सपोज्ड आउटपुट के साथ मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, तो ये एक प्लान हो गया. फिर हम डिज़ाइन करते हैं यूज केसेस या टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस हम बना देते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं हमारे पास कि अगर इनपुट इस तरह देगा और आउटपुट ये देगा तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहे हैं. ठीक है, फिर उस टेस्ट केसेस को हम यूज करते हैं या तो मैनुअली या ऑटोमेटेड. ठीक है, इसके अपने अप्रोचेस हैं. फिर उस टेस्ट केसेस से हमारे पास एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होता है. ठीक है, उस रिपोर्ट में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इतने नंबर ऑफ एरर्स है, इतने नंबर ऑफ वार्निंग है. इस तरह आप एक सिंपल प्रोग्राम को किसी भी टूल में जो है एग्जीक्यूट करते हैं, या डिप सी प्लस प्लस में आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो वहाँ पर आपके पास एरर्स और वार्निंग जो है वो मेंशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 5 में हमारे पास एरर है, 6 में एरर है, इसी तरह मतलब वार्निंग से. तो एक रिपोर्ट सी जनरेट हो जाती है. फिर हम रिग्रेशन टेस्ट जो है अप्लाई कर लेते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास एनालिसिस आ जाती है. फिर एक एनालिसिस से हमारे पास समरी आ जाती है. समरी रिपोर्ट में उल्टा हमारे पास सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शनलिटीज के बारे में, सारे एरर्स के बारे में एक ओवरऑल समरी हमारे पास बन जाती है कि ये सॉफ्टवेयर था उसके हमारे पास ये एक्स वाई जी रिक्वायरमेंट्स थे. फिर उसके लिए हमने ये सिस्टम स्टडी कर दी. फिर उस स्टडी के लिहाज से सिस्टम स्टडी के बाद हमने एक सूटेबल टेस्ट प्लान बना दिया. फिर उस टेस्ट प्लानिंग के बाद हमने एक यूज केस को या एक टेस्ट केस को डिज़ाइन कर दिया. फिर फॉर एग्जाम्पल हमने उसको ऑटोमेटेड जो है एग्जीक्यूट कर दिया. फिर उसके बाद ये रिपोर्ट आ गया और इसी तरह रेग्रेशन टेस्ट और इसी तरह एनालिसिस. तो एक कंप्लीट सा समरी बन जाती है, एक चैप्टर सा बन जाता है टेस्टिंग का कि ये सॉफ्टवेयर था, ये इसके रिक्वायरमेंट्स है, ये टाइप ऑफ टेस्टिंग हमने करवाई, ये रिजल्ट आ गई, ये समरी आ गई. अब अगर इसमें हमारे पास एरर्स फाइंड आउट हो गए तो हम कोशिश करेंगे दोबारा इनिशियलाइजेशन में देखेंगे कि ये एरर्स हम किस तरह इससे रिमूव कर लें. क्लियर है? तो इसी तरह पर एक दूसरा रिपोर्ट बनेगा और एट सो ऑन.
टेस्ट प्लान क्या है? इट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट सिस्टम। एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एक आपके पास लॉजिकल अप्रोच है कि आप एक जगह से दूसरी जगह यानी स्टार्ट लेंगे, फिर दूसरा तीसरा स्टेप बाय स्टेप एक हमारे पास एक अप्रोच है सब, ठीक है। द प्लान इज टिपिकली टू कंटेन अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द इवेंशनल और द फाइनल टेस्टिंग वर्कफ्लो विल बी। यानी हम ये देखते हैं कि हमारे पास फाइनल वर्जन में कौन कौन से जो है रिक्वायरमेंट्स होंगे, कौन कौन सा वर्कफ्लो होगा और एक सिस्टम का, यानी एक सिस्टम की एंटायर समरी हमारे पास आ जाती है। ये सारे अंडरस्टैंडिंग है कि सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा, कौन कौन से डेटा किस फ्लो पे जाएगा, सॉफ्टवेयर के साथ डेटा के साथ कौन कौन से जो है इवेंट्स अकर होंगे, बिहेवियर डेटा का क्या होगा, तो ये सारे एक डिटेल सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे ये सिस्टम का, इस सिस्टम में ओवरऑल क्या हो रहा है फ्रॉम जीरो टू एंड। टेस्ट केस, इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। टेस्ट केस में हम एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी थी, फॉर एग्जाम्पल एक लार्ज कैलकुलेटर है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें परसेंटेज है, ग्रेड। तो अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन वाले मॉड्यूल को टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स या एक पर्टिकुलर पोर्शन को मैं पॉइंट आउट कर लूँगा। यानी मेरा आउटपुट ये होगा कि अच्छा, मैं अब एडिशनल वाले रिक्वायरमेंट्स का जो मॉड्यूल है उसको चेक करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इट विल इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। जिस तरह भी मैंने बात की, फॉर एग्जाम्पल अगर एडिशन मॉड्यूल को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ये है कि मैं टेस्ट मॉड्यूल को टेस्ट करना एडिशन मॉड्यूल को टेस्ट करना चाह रहा हूँ। टेस्ट सक्सेस फेलियर क्राइटेरिया, टेस्ट केसेस या तो हमारे पास सक्सेस होंगे या फेलियर होगा, उसके लिहाज से हम उसके क्राइटेरिया को देखेंगे कि किस क्राइटेरिया से हमारे पास फेलियर आकर हो रहा है, ठीक है। यानी जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के तो दो आउटपुट आ सकते हैं, या तो हमारे पास सक्सेस होगा या हमारे पास फेलियर होगा। फिर हमारे पास स्पेसिफिक स्टेप्स है टू एग्जीक्यूट आकर, और वो स्टेप्स हमारे पास ये हो सकते हैं, ये एक लाइफ साइकिल है, तो इसी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्टेप्स है किसी भी टेस्ट को एग्जीक्यूट करने का। और फिर टेस्ट डेटा है, यानी हमारे पास कुछ इनिशियल में कुछ ना कुछ डेटा होगा, उसी डेटा को हम इंसर्ट करेंगे और फिर हमारे पास कुछ सपोज आउटपुट होगा, और उस सपोज आउटपुट को हम फिर एक्चुअल आउटपुट से मैच करेंगे। अगर दोनों मैच हो रहे तो हम कह रहे कि देयर इज नो एरर, दिस प्रोडक्ट इज सक्सेस। अगर हमारे पास इसमें कोई मिसमैचिंग आ रही है तो हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दो टर्म्स है जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ज्यादातर यूज करते हैं। इसमें माइनर सी डिफरेंस है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन क्या है? द सॉफ्टवेयर शुड कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ठीक है। यानी हम सही वही सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे जो क्लाइंट हमसे मांग रहे हैं, यानी जो स्पेसिफिकेशन है उसी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो ये वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन का मतलब ये कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स यूजर ने दी है, क्लाइंट ने दी है, उसी के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे, तो ये वेरिफिकेशन हो गई। यानी फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट चाह रहे कि कैलकुलेटर बनाया जाए, तो अब कैलकुलेटर हम जब बनाएंगे तो उसमें गिवन होगा, यानी ये तो नॉन बात है कि उसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर क्लाइंट ने कहा कि उसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, परसेंटेज हो, तो जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो उसमें ये फाइव रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। अगर ये फाइव रिक्वायरमेंट है तो मतलब हमने वेरिफिकेशन कर ली कि वही फाइव रिक्वायरमेंट हमारे पास बन रहे हैं, तो मतलब वी आर बिल्डिंग अ राइट सॉफ्टवेयर, अ राइट प्रोडक्ट। वैलिडेशन क्या है? द सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूजर रियली वांट या व्हाट द रीजन रियली रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उसकी जो आउटपुट फंक्शनलिटीज है, अगर वो फंक्शनलिटी उसमें मौजूद है, तब हम कह सकते हैं कि ये वैलिडेट है, आर वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन में जस्ट ये है कि
स्पेसिफिकेशन में हम स्पेसिफिकेशन से रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है वही हम बना रहे हैं। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन ये है कि जो यूजर ने मांगा है हम वही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, वैलिडेशन है।